हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और समय हो रहे हैं 11 बज रहे हैं और आज 13 मई है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने कुछ बनाया, आप सबको दिखाएंगे अभी। इसमें तो हम किचन में हैं, फिर हम चलते हैं, आप सबको दिखाएंगे। मैंने एक दीवार फेस बनाया है, ये आप लोग देखना। धीम कर लो आवाज़ टीवी की, ये वाला है। मैंने इसे ऐसे बनाया है मोती से। तो हाँ फ्रेंड्स, आप सब बताना कि ये हमारी जो दीवार थी इसे कैसी लगी। दीवार पे लगाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। और मैंने इसे लटकाने वाला भी लगा दिया है, यहाँ हाथ से पकड़े हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। ये चार तितली थी, इसे तितली बोलते हैं मेरे यहाँ। तो ये प्लास्टिक की है, जो साँचा वगैरह होता है, तो चार से मैंने बनाया है। और ये दूसरा वाला हम बना रहे हैं, ये दूसरा वाला हम इसको बीन चुके हैं, इसकी बुनाई कर चुके हैं, अच्छे से सज गया है। बाकी इसमें 6 लगा है, 6 में तो 2 सज चुका है, 4 बाकी बचा है। 4 मुझे आज जाना है 13 मई को, बस इसे भी सजा लेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे। इसे बर्फी बोलते मेरे यहाँ। बस मैंने ऐसे बना लिया, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कि आप सबको कैसा लग रहा है। ये 4 मुझे सजाना है, नीचे गिर गया, और 3 मेरे हाथ में है, जो नहीं सजा है वो हाथ में है। 2 तो हम बहुत अच्छे से बना चुके, ऐसे बनाएंगे सारे के सारे, बन जाएगा तब हम आप लोग को दिखाएंगे। और बस हम आ चुके हैं किचन में। ये दूध था जो फट चुका था, लाइट नहीं थी, मैंने फ्रिज में रख दिया था और दूध फट गया था। सोचे थे लाइट आ जाएगी, बट आंधी पानी इतना ज़्यादा हो गया कि लाइट नहीं आई। बहुत ज़्यादा आंधी पानी आया था आज के 2 दिन के पहले, तो बस इसी में दूध फट गया। तो दूध को हमने गर्म कर लिए, छन्नी से छान ली है और इसे अच्छे से पानी इसका निचोड़ दिए हैं। तो बस उस दूध को, जो सूखी हुई दूध है, पानी निचोड़ लें, उसको हम थोड़ा सा मिक्सर जार में इसे हम पीस लिए ताकि ये खूब अच्छे से चिकना चिकना सा हो जाए। और इसका हम बनाने वाले हैं रसगुल्ला, सफ़ेद वाला रसगुल्ला, बहुत प्यारा सा रसगुल्ला बनता है। इसमें कुछ नहीं मिलाए थे, हल्का सा तेल लगा लिए थे कि हाथ में चिपकने ना पाए। तो बस रख लें ऐसे हाथ में, थोड़ा थोड़ा सा लगा लें, लेकिन बट मुझे पता नहीं था कि इसमें तेल जैसा हो जाएगा। वैसे जो इस दूध का जो घी होता है वो पूरा चिकना चिकना हो जाता है, तेल की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने फर्स्ट टाइम इसे बनाया था तो मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला था। मुझे डर सा लग रहा था कि कहीं हो सकता है गड़बड़ ना हो जाए, ना सही बना पाए, इस वजह से मैंने कुछ इसमें नहीं डाला था। वैसे तो इसमें इलायची चाहिए, डालना चाहिए, केसर डालना चाहिए, पर मैंने नहीं डाला था, सोचे कहीं कहीं सब कुछ बेकार ना हो जाए। तो बस हम छोटी छोटी इसको बॉल बना लेंगे, ये छोटी छोटी बना लेंगे। वैसे तो मेरी एक साइज़ की सब नहीं बनी थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि हाँ बना रहे हैं पर अच्छा बने या ना बने। लेकिन हाँ प्रेस बहुत प्यारा लगा था। अगर आप लोग के घर में भी ऐसा होता है, कभी दूध फट जाती तो हाँ छेना ज़रूर बनाना, यानी रसगुल्ले। मेरे यहाँ छेना भी बोलते हैं सफ़ेद वाले को, ब्लैक वाला जो होता है उसे रसगुल्ले बोलते हैं, और कोई कोई रसगुल्ला भी बोलता है इसे। तो बस इसकी छोटी छोटी बॉल हम बना लेंगे। और बहुत अच्छे से बन जाता है, हाँ प्रेस से दबा दबा के नहीं बनाना, अच्छे से बनाना है, आहिस्ता आहिस्ता बनाना है। बहुत प्यारा प्यारा सा बॉल बन जाता है, फटता नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाता है। वैसे तो इसमें 1 चम्मच मैदा भी होता तो चल जाता, बट मुझे पता भी नहीं था कि मैदा डालें या ना डालें। लेकिन हाँ, बस जो छेना है वो अच्छा बन गया था, बहुत प्यारा बन गया था। अभी आप लोग देखना कितना प्यारा बन गया था, अच्छे से बन गया था। तो बस ऐसे हम सारे बना लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं था, वही करीब 10-15 के करीब में होगा, ज़्यादा नहीं था। जितना दूध था लगभग में थोड़ा सा दूध बचा था, आधा लीटर दूध था जो फट गया था, उसी से बनाए थे। वैसे दूध में तो इतना पानी डाल देते हैं कि दूध कहाँ होता है, चाहे जितना महंगा दूध ले लो, लेकिन
दूध वाले ज़रूर पानी इसमें ऐड करेंगे। तो बस ये बन चुका है, आप लोग देख लीजिए कि जितने बने हैं सबके साइज अलग अलग हैं। मुझसे अच्छा नहीं बन पाया। उस कटोरे में हमने पानी डाल दी है और पानी में शक्कर डाल दिए हैं। मैंने जिस चम्मच से चाय बनाते हैं शक्कर डालते हैं चाय में, उसी चम्मच से मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी है। और फिर इसको गर्म कर लें, चाशनी की तरह है लेकिन ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे, केवल चीनी गल जाएगी। बस उठा के बॉल हम इसमें डाल दिए थे। अब देखिए अच्छे से ये पक रहा है, जितना ही अपने आप से उठ जाएगा। अगर परफेक्ट बनेगा तो समझ लीजिए अपने आप से उठ जाता है। और ये देखिए कितना प्यारा सा बन रहा है। मुझे देख के मेरा मन करा कि जल्दी से खाएं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा बना था, बहुत प्यारा बना था। आप लोग के घर में भी ऐसे होता है कि कभी दूध फट जाती है तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। वैसे जब दूध फट जाते तो हम बेकार में उसे फेंक देते हैं, लेकिन चलो अब इसका मिठाई अगर बन जाए तो बात ही क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो बस ये हो ही रहा था तो निकाल के इसे चेक कर रहे थे कि हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स कैसे हो गया, ये कितना बड़ा सा हो गया है, कितने छोटे छोटे बनाए थे। वैसे मैंने बहुत छोटे कर दिए थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करे थे, क्योंकि जो हमारे पास दूध था वो थोड़ा था। तो अब ये हो चुका है। तो अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।